हाई एवरी वन दिस इज भावना एंड वेलकम टू माई चैनल साइव स्टेटमेंट फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ uh, बहुत ही अफोर्डेबल बहुत ही कम्फर्टेबल और वॉर्म शूज़ का कलेक्शन मैं अपना बेसिकली कलेक्शन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ मैंने काफ़ी सारे नए नए पीसीज़ खरीदे हैं और उनमें से कुछ अच्छे भी निकले हैं कुछ बुरे भी निकले हैं तो मैं सबका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट से नहीं है इसलिए मैंने कोई भी टाइटल uh, में को कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम नहीं डाला है uh, ये मल्टीपल वेबसाइट uh, से मैंने खरीदे हैं तो मैं सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है तो और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ वो कुछ इस तरह के हैं फ्रेंड्स ये स्नेक प्रिंट के मैंने बूट्स खरीदे हैं पहली नज़र में ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं मैंने इनको एक पैंट ब्लैक पैंट के साथ स्टाइल किया था और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे बट लंच तक बहुत अच्छे लगे मुझे मैं भी बहुत स्वैग में इसको पहनकर घूम रही थी बट आफ्टर लंच ये इतने ज़्यादा दर्दनाक हो गए और घर तक पहुँचते पहुँचते आठ बजे तक मतलब मेरे पैरों की बुरी हालत हो चुकी थी इसको पहनने के बाद तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी ये मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ख़रीदे थे जिसका मैं नॉर्मली वीडियोस बहुत सारे बनाती रहती हूँ शेयर करती रहती हूँ उनके उसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ तो ये मैंने पहला जो मैं दिखा रही हूँ ये शूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है कंफर्टेबल भी बहुत नहीं कह सकती मैं क्योंकि इनकी ये पीछे जो ये हील है इसकी वजह से आपको इतनी तेज़ पेन होगा पैरों में कि आप इसको पूरा दिन नहीं पहन पाएंगे बट हाँ कुछ टाइम के लिए आप, आपको पहनना है दो तीन घंटों के लिए तो ये बहुत स्टाइलिश लगते हैं ऑसम awesome लगते हैं जिप क्लोजर है जो कि काफ़ी मुश्किल से बंद होता है तो मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरा थर्टी साइज़ है पैरों का तो मैंने थर्टी साइज़ लिया है ऑल दो तो ये फिट हो रहे हैं बट जिप बंद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और शायद टाइटनेस की वजह से आ, मैं इसको मतलब ज़्यादा टाइम तक कैरी नहीं कर पाई जिप बंद करनी तो पड़ेगी क्योंकि अदरवाइज़ ये ऐसे खुल जाएंगे तो ज़िप बंद करने की वजह से मैं इसको पहन नहीं पाई पूरा दिन मैंने जुराब के साथ ट्राई किया था इसको तब तो, तो बहुत ही बुरी हालत तो हो गई थी पैरों की ऐसे मुचड़ गए थे पैर बिल्कुल इसके अंदर तो मुझे इसको बिना सॉक्स के इसको कैरी करना पड़ा बिल्कुल भी आ, मैं वार्म तो है ये बट कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे पूरा दिन मैं इसको नहीं पहन पाई पर जितनी देर भी मैंने इसको पहना ना बहुत बहुत ऑसम आस, लग रहे थे फ्रेंड्स बहुत स्टाइलिश लग रहे थे तो इसमें अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना तो दो बातों का ध्यान रखिए एक तो आप इसको थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए पहनिए तो ठीक रहेगा और दूसरी बात अगर आपका साइज भी सिक्स है जैसे थर्टी है यूएस यूके जो भी होता है थर्टी साइज मैंने लिया है तो थर्टी आ, एक साइज़ अप ले, फोटी लीजिए ताकि आप इसको, इसके अंदर कुशनिंग के लिए एक्स्ट्रा कुशन हो जाएगा ना मोटी सी एक सॉक्स पहन लीजिए और उसके बाद इनको पहनेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये कंफर्टेबल रह सकते हैं मुझे ऐसा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है एक ही दिन मैंने इसको पहना है बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे ये देखिए पीछे से मतलब कुछ स्लिपरी टाइप का नहीं है बट येस yes, uh, इसकी जो हील है ये बहुत अनकंफर्टेबल un से आपको एहसास देगी पूरा दिन अगर आप इसको पहनेंगे तो पूरे दिन के लिए नहीं है ये बिल्कुल भी आप इसको लीजिए और इसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं दो तीन घंटे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं कहीं पर या सिटिंग में ही आपने बैठे ही रहना है तब तो आप इसको पहन सकते हैं आ, तो ये वाला मेरी फ़र्स्ट परचेज़ थी ये मुझे मिले थे ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड के अराउंड मिले थे, थे बट ये आ, अच्छी डील भी नहीं कहूँगी मैं कि मुझे बहुत सस्ते मिल गए थे सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड में शायद कुछ और अच्छा मिल सकता था मुझे तो मेरे लिए तो ये आ, थोड़ी देर पहनने के लिए ठीक है ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और जो शॉर्ट जो कैप्रीज होती है कैप्रीज के साथ बहुत प्यारे लगेंगे ये तो इस टाइप से आप इसको कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट पेयर भी आ, मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से ही खरीदा था तो ये है कुछ इस तरह के लॉन्ग बूट्स देखिए कुछ इस टाइप के हैं सॉक बूट्स हैं है। ये मैं मुझे आ, मतलब ओवर द नी आते हैं थाइस पे मैं इसको टाई करती हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसमें कोई भी कम्प्लेट नहीं है बहुत वार्म है और इसको मैं भी मैंने पूरा दिन कैरी uh, किया था ऑफिस में बहुत अच्छे बहुत स्टाइलिश और बहुत स्मार्ट सा एकदम पॉलिश सा लुक आ रहा था बहुत अच्छी क्वालिटी uh, है इसकी अच्छे है मतलब सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के मुझे ये मिले थे इस पे डिस्काउंट चलता रहता है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे ये और uh, मैं मुझे ये मिले थे सिक्स हंड्रेड समथिंग रुपीज़ के तो इस टाइप से है ये इनके अंदर ज्यादा हील नहीं है ना हील ना होने की वजह से आप इसको पूरा दिन पहन सकते हो क्योंकि हील्स वाली चीज आप एक बार अवॉइड करो करेंगे पहनने से कि पूरा दिन वो कैरी नहीं कर पाएंगे आप देखिए ये इस टाइप से यहाँ से इस तरह से है इसको आप बंद करके पहन सकते हैं टाई करके इसके अंदर कोई जिप नहीं है ज़िप में एक बार ये होता है कि कहीं से भी ख़राब हो जाती है ज़िप और ख़राब होने के बाद फिर वो ठीक होनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है बट यहाँ पर क्या है कि आप इसको थाइस पे बांध लीजिए और आप पूरा दिन इसको आराम से पहन सकते हैं तो ये इसका यूएसपी है बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये आप ये वाला ज़रूर खरीदिएगा अगर आप सिक्स तक की रेंज में कोई भी विंटर में शूज़ ढूंढ रहे हैं तो ये वाले बहुत औसम है और मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपके पास ये होना ही चाहिए एक पेयर बहुत स्टाइलिश और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है तो ये था मेरा सेकंड पेयर अब थर्ड पेयर दिखाती हूं तो फ्रेंड्स वो दो जो पेयर थे वो दोनों ये दोनों मैंने स्वीट स्टाइल स्टोर से खरीदे थे जो कि एक तो अच्छा निकला है एक की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे ऐसी ही लगी स्नैक प्रिंट वाले की जो रिव्यू है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ तो अब मैं थर्ड पेयर दिखाती हूँ अपना ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए थे वैंडूज ब्रांड के और ये देखिए फ्रेंड्स जितने ज़्यादा स्टाइलिश ये है, उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबल है फ्रेंड्स बिलीव मी ये मैं रोज़ पहनती हूँ ऑफिस में रोज और इतने ज़्यादा अमेजिंग है मतलब हाइट भी आपकी बढ़ रही है साथ में कंफर्टेबल इतने हैं मैं खूब इसके अंदर घूमती फिरती हूँ इधर उधर इधर उधर लगा रहता है मेरा तो बट ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये आपके एंकल लेंथ के हैं शूज़ और ये देखिए स्टाइल में एक पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसको मैं फिटेड स्लिम फिट जो जीन्स uh, होती है उनके साथ पहनती हूँ बहुत अमेजिंग लगते हैं बहुत अमेजिंग अभी uh, फ़िलहाल जो मैं अपनी हालत बताती हूँ आपको कि मेरे पैर uh, मेरा पैर लास्ट संडे को मुड़ गया था तो मेरे एंकल पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है मैंने एक दिन uh, दूसरे शूज़ पहने रनिंग शूज़ जो होते हैं वो पहने मुझे लगा कंफर्टेबल होंगे पूरा दिन मुझे ऑफिस में जाना है बट उससे मेरे uh, एंकल में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया तो मैंने फिर दो तीन दिन इनको पहना था तो इनसे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ एंकल में क्योंकि ये एंकल से ऊपर आते हैं एंकल यहाँ आएगा आपका और ये ऊपर आएंगे तो फिर ये बिल्कुल भी एंकल पे टच नहीं हो रहे कहीं से टाइट नहीं हो रहे एंकल पे से तो आराम से इसको आप पहन सकते हैं पूरा दिन बहुत स्टाइलिश तो 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 है फ्रेंड्स बिलीव मी इसमें बहुत सारे प्रिंट्स बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है वेंडूज़ ब्रांड का ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फ़ाइव समथिंग के हैं बट मुझे लगता है कि जैसी इसकी क्वालिटी है ना ये थाउजेंड रुपीज़ के भी अगर वो बेचेंगे तो ज़रूर हंस के लेंगे लोग फाइव हंड्रेड आपके कहीं भी बर्बाद नहीं हुए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते चाहे दस रुपये की भी खरीदते हैं उसको आप यूज़ कितना कर पाते हैं सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही होती है तो ये बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है मैंने कल भी इनको ही पहना हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगे ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये शूज़ नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैंने ये तीनों इस साल लिए थे एक और इनके साथ इस साल जो लिया है मैंने इस सर्दियों में वो कुछ इस टाइप के शूज है ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे ये जितने ज़्यादा पुराने और घिसे हुए लग रहे हैं ये देखिए पीछे से आप देख सकते हैं कैसे टूटे हुए हैं तो ये जो आपको लग रहे हैं पुराने बट ये एक महीना भी नहीं हुआ इनको और मैंने हार्डली इनको तीन चार बार ही पहना होगा और इनकी तीन चार बार में हालत देखिए कैसी हो गई है ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं मजदूरी करके कहीं से आ रही हूँ और मेरे शूज़ ऐसे फट फटे हुए ऐसे लग रहे हैं ये देखिए ये यहाँ से भी कट गया है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये इतने ज़्यादा घिस गए हैं सिर्फ तीन चार बार पहने में पहनने में ही ऐसा लगता है पता नहीं कितने कितने सालों से मैं इनको वेयर कर रही थी और कितने सालों से ये लगातार यूज़ हो रहे हैं इनको अभी खरीदे हुए मुझे एक मंथ भी नहीं हुआ है फ्लिपकार्ट से लेते मैंने टू इन शूज करके है या फिर आ, ऐसा ही कुछ है इसका ब्रांड बहुत ही गंदा इसका मटेरियल बहुत चीप निकला क्योंकि ये देखिए फटे हुए हैं और वो दूसरा वाला मैंने नीचे गिरा दिया है तो वो तो बिल्कुल ही कट आ गया पीछे से सारे सोल में कट आए पड़े हैं ये देखिए जैसा कि दिखाई भी दे रहे हैं तो ये मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी अगर आपको पाँच सौ में आग लगानी है तो वैसे आग लगा लीजिए बट ये शूज़ बिल्कुल मत खरीदना फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं बहुत सारे कलर्स हैं बट मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मतलब थोड़े से स्पॉट शूज़ टाइप के हो जाएंगे ये इसको पहन के तो मैं इवन भागी तक नहीं सिर्फ नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है ऑफ़िस में वही किया बट उसके बाद भी ये इतना गंदा और इतना ख़राब निकल गई इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तो मैं इनको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ को बर्बाद होते हुए मैंने अब देखा है देखिए बिल्कुल बकवास निकली इसकी क्वालिटी शूज़ की और ये बहुत ही ज़्यादा गंदे शूज़ निकले हैं मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी और इनकी हालत कैसी हो गई है दो तीन बार पहनने में ही ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ नेक्स्ट दिखाती हूँ जो मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे बट मैंने उनको शो नहीं किया आपको दिखाया नहीं कभी तो मैं मतलब विंट, अब मैं मेरा कलेक्शन कॉले, है तो मैं वो सारा आपके साथ शो करने वाली हूँ कि कैसा मतलब निकला है कैसे कहाँ से लिया मैंने प्रोडक्ट्स अब फ्रेंड्स किसी लड़की का या आजकल तो लड़कों का भी किसी का भी कलेक्शन पूरा नहीं होता वाइट शूज के बिना तो मेरे वाइट शूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं ये देखिए बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है आ, ये मुझे मैंने लिए थे थ्री फिफ्टी रुपीज़ में लिए थे थ्री फिफ्टी में मैंने ये चांदनी चौक से खरीदे थे चांदनी चौक में लाल किले के पास जो मार्केट है उसमें से ख़रीदे थे आ, तो वहाँ से मैंने ये खरीदे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के तो नहीं कहूंगी मैं हाँ पर ठीक है मैं पहन रही हूं इनको चार पाँच महीने हो चुके हैं इनको लिए हुए और अच्छे चल रहे हैं और इनका कुछ मतलब खराब ख़राब भी नहीं होते ये इस टाइप के मटेरियल से बने हुए हैं कि खराब भी नहीं होते और इन ये फटते भी नहीं है तो मेरे थ्री फिफ्टी रुपीज़ ऑलमोस्ट मेरे वसूल हो जाएंगे अगर मैं इनको पाँच सात बार और पहन लूंगी तो और ये चलेंगे अच्छा चलने वाले प्रोडक्ट हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे थ्री फिफ्टी रुपीज़ में बहुत स्टाइलिश और बहुत स्टनिंग सा लुक आता है पैरों में इनको पहनने के बाद बहुत स्टाइलिश लगते हैं तो इस टाइप के वाइट शूज़ भी आप ले सकते हैं अगर आप आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं वाइट शूज़ तो मैं आपको ओ, कोई रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन वाइट शूज़ नहीं खरीदे हैं और मुझे क्वालिटी पे थोड़ा सा ना डाउट भी रहता है बट मैं आप अप, अपने सामने लेके आती हूँ सस्ते मिलेंगे एक तो अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे सस्ते मिलेंगे साथ में उसको आप बोल तो सकते हो भैया को कि भैया मैंने खरीदे थे टूट गए या फिर कुछ भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो जो भी होती है उनकी तो वो हम कर सकते हैं बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा डर लगता है नेक्स्ट uh, दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट मैंने कौन से शूज़ खरीदे हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स uh, ये शूज़ हैं ये भी काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं पहने हुए और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इनको भी मैं ऑफिस में पहन के जाती हूँ और ये मैंने uh, दो तीन साल हो गए मुझे ये लिए हुए बट अब मैं रेगुलरली इनको पहनती हूँ तो अब इनकी क्वालिटी पर का पता चल रहा है काफ़ी सही है ये भी अच्छे लगते हैं ये भी ब्लैक शूज़ एक ब्लैक शूज़ तो हर किसी के पास होने ही चाहिए आ, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते कंफर्टेबल रहते हैं तो ये एंकल लेंथ शूज़ है काफ़ी स्मार्ट इनका भी लुक आता है पहनने के बाद काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं और ये मुझे मिले थे आई गेस थ्री फिफ्टी या फोर हंड्रेड समथिंग के मिले थे ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिए थे काफ़ी टाइम पहले लिए थे तो मैं इसका लिंक तो नहीं दे पाऊंगी बट ये बहुत बहुत ज़्यादा है फ्लिपकार्ट आप इसको वुमेन बूट्स करके सर्च करेंगे तो सबसे पहले शायद यही आएंगे तो आप आराम से वहाँ पर चेक कर सकते हैं आ, ये शूज़ अगर आप लेते हैं ना तो सच में गर्मियों सर्दियों में ना आप सॉर्टेड हो जाते हैं इस तरह के शूज़ पहनकर ताकि आ, मतलब पूरे ग, आपको आपके पैरों को भी वार्म रखते हैं और साथ में कंफर्टेबली आप वॉक भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आप मेरी तरह मेट्रो में जाते हैं मेट्रो में ट्रैवल करते हैं मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है घंटा लग जाता है मुझे पूरा चलने में और मतलब ऑफिस तक पहुंचने में एक डेढ़ घंटा लग जाता है तो कंफर्टेबल चाहिए होते हैं शूज़ मेट्रो में कई बार जगह मिलती है सीट मिलती है कई बार नहीं मिलती खड़े भी रहना पड़ता है तो सिर्फ वॉकिंग के लिए ही नहीं आपको खड़े रहने में भी उसको सपोर्ट करे आपके पैरों को तो ऐसे शूज़ मैं देखती हूँ ताकि आ, कम्फर्टेबली मैं वॉक कर सकूँ खड़ी रह सकूँ और भाग भाग के मेट्रो पकड़नी होती है भाग भाग के बस पकड़नी होती है तो फिर ये सब काम मैं आराम से कर सकूँ तो ऐसे कंफर्टेबल शूज़ देख रही हूँ तो ये जो पेयर्स थे आ, मैंने आपको सबका रिव्यू दिया अभी और भी बचे हुए हैं तो कहीं मत जाइएगा दे रही मेरे पास एक ये वाले स्पॉट शूज़ है ग्रे और पिंक कलर के ये जो स्पॉट शूज़ है ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिए थे आई गेस समथिंग अराउंड 200 और 250 फिफ्टी रुपीज़ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली लास्ट ईयर लिए थे ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और आराम से इनको भी मैं पूरा दिन कैरी कर सकती हूँ मतलब इस रेंज के अगर शूज़ अगर आप लेते ना और ख़राब भी निकलते हैं तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने ऑलमोस्ट इनके ढाई सौ रुपये वसूल कर लिए काफ़ी पहनती हूँ मैं इसको मार्केट जाती हूँ तो बच्चों को बच्चों को कुछ जैसे सामान दिलवाने के लिए जा रहे हैं मार्केट छोटी मोटी आउटिंग के लिए भी मैं इसको वेयर करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये आप ये इतने लाइट वेट है ना कि मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास ऐसा, नहीं होता कि मैंने पैरों में कुछ हैवी सा बांध लिया बोझ बांध लिया ऐसा कुछ भी नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बहुत ही कंफर्टेबल कहूंगी मैं इनको बहुत कंफर्टेबल है पहनने में और ये है ब्रांड कोलंबस ब्रांड के हैं कोलंबस के अपने शूज़ देखे होंगे कोलंबस ब्रांड के हैं और काफ़ी अच्छे हैं इसको मैंने काफ़ी बार धो लिया पहन लिया इसको रफ एंड टफ़ यूज़ करती हूँ मैं चीज़ों को तो ये रफ एंड टफ़ में बहुत अच्छी क्वालिटी है बट इसको धोने के बाद ना इसके सामने ये देखिए ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा ये हल्का सा ब्लैकनेस आ जाती है इसके ऊपर ये वॉश की करने के बाद क्या मैं बता रही हूँ वॉश करने से पहले तो ये गंदे ही होते हैं वॉश करने के बाद इसके ऊपर ना हल्की सी अपने नहीं लाइन से आती है ब्लैकनेस तो थोड़ा सा कम पहनती हूँ मैं इनको ऑफिस में तो ऑफ ऑफकॉर्स नहीं पहन सकते बट यस ये देखिए कैसा लग रहा है इसके ऊपर ब्लैकनेस भी आ, आ जाती है इस टाइप से तो ये वॉश करने के बाद ना पानी उभर आता है इनके ऊपर आई डोंट नो क्या होता है बट ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है तो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने ये वाले शूज़ लिए थे ये भी दो साल पहले लिए थे मैंने अजियो से अजियो से मुझे ये टू फोर्टी टू सम इसी रेंज के मिले थे और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं पहनने में बहुत हैवी लगता है पैरों में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पैर एकदम नीचे को किसी ने खींच लिया है बांध दिया मेरे पैरों से किसी ने कुछ तो ये इस टाइप से है और ये देखिए ये टेप वाले हैं ये वैसे ओकेजनली आप किसी के साथ पहन सकते हैं जीन्स के साथ बट रेगुलर वेयर में अगर आप इसको पहनेंगे तो धीरे धीरे आपके पैरों को इसकी आदत होगी अदरवाइज ये कंफर्टेबल है देखिए बिल्कुल फ्लैट है नीचे से कहीं से भी इसमें हील नहीं है कुछ वेजेस टाइप का नहीं है बट ये काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं मुझे ये भी पहनने में पिंक कलर के शूज़ है अजियो से मैं लेती हूँ और मैं पहनती रहती हूँ जब मेरा दिल करता है तो मैं पहन लेती हूँ इनको ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पहनती ये बहुत हैवी है ठीक है मतलब कंफर्टेबल है तो इनको पहन लेती हूँ कंफर्ट के लिए इनको पहन लेती हूँ मैं अजियो से लिए थे मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको उनमें किसी में इसका लिंक मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई हुई है मैंने अजियो से ली हुई विंटर्स का भी है तो हॉल वीडियोज़ की एक अलग ही प्ले है मेरे चैनल पे वो आप सर्च कर सकते हैं उसमें बहुत सारे हॉल्स वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद खरीद के आपको दिखाती रहती थी तो वो आप चेक कर सकते हैं Uh, अब सेकेंड लास्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप के हैं ये इसको क्या बोलते हैं कैनवस शूज़ या स्नीकर्स बोलते हैं तो ये इस कुछ इस टाइप के शूज़ हैं ये मैंने गर्मियों में पहनने के लिए लिए थे आ, ये आ, बर्डी करके एक ब्रांड है बर्डी ब्रांड का है और ये देखिए ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए अमेज़ोन से लिए थे ये फ्लिपकार्ट और Amazon पे आई गेस सेम ही सेलर्स होते हैं तो ये कुछ इस type के हैं अच्छे लगते हैं ये भी comfortable टू वॉक है इसको भी आप आराम से जिस दिन आपको कुछ मतलब कैजुअल सा पहनने का मन करता है ना तो मैं इसको पहन लेती हूँ मेरे पास एक महरून कलर की टी शर्ट है तो टी शर्ट के साथ इसका कलर कॉर्डिनेशन बिठा लेती हूँ और इसको पहन लेती हूँ तो ये कुछ इस टेप के हैं नाइस पेयर ऑफ शूज है ये डिसेंट लगते हैं तो कुछ तो इस तरह के हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स लास्ट जो है वो कुछ इस टाइप के आ, हैं ये रबड़ के हैं या प्लास्टिक के हैं इस टाइप के आपके आ, मतलब मार्केट में भी आराम से मिल जाएंगे तो ये मैं समर्स में पहनने के लिए लेके आई थी ये मुझे मिले थे 250 या फिर 200 के मिले थे मुझे exactly इनका प्राइस याद नहीं है बट ये भी कंफर्टेबल है बट इनको आप पहनकर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पहन सकते और आ, ये भी थोड़ा सा कम्फर्टेबल नहीं हैं तो सही बट इनको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पहना जा सकता तो कुछ इस टाइप से हैं ये भी प्लास्टिक की हैं शायद ये बैलीज तो इनको मैं पहन लेती हूँ घर में पहन लेती हूँ इधर उधर जाना हो थोड़ा बहुत तो सूट के साथ पहन लेती हूँ ठीक चल जाता है मेरा काम इन सब से तो इस टाइप से हैं ये 250 या 200 हंड्रेड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली तो ये था मेरा शूज़ का कलेक्शन फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और जो रेकमेंडेड हैं वो आप ज़रूर ख़रीद के देखिएगा बहुत अच्छी क्वालिटी है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ अच्छे से कंफर्टेबल से शूज़ ख़रीदने की तो ज़रूर ख़रीदिएगा इन पूरा वीडियो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि किसकी रिकमेंडेशन की है मैंने बहुत अच्छी भी क्वालिटी है बहुत लो भी क्वालिटी के मुझे मिले हैं सबका रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए बाय